हेलो सर। हेलो सर, ये अदंत बच्चा है अभी। बच्चा अदंत जी, लग नहीं रहा है तो कुछ। बिल्कुल सर, ये अदंत बच्चा है, ब्लड लाइन से है, इसलिए आपको लग नहीं रहा, आपको बड़ा लग रहा है। टीथ देख सकते हैं अभी तो, इसने दांत भी नहीं किए। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये हैं वो बंदे जिनको आपने देखा था, जिन्हें चैलेंज स्वीकार किया था कि मैं इस घोड़ी पे चढ़ सकता हूँ, उसको चला सकता हूँ। मिस्टर इब्राहिम अजमेर के रहने वाले हैं, और कई लोग आप से पूछे थे कि इनका नाम क्या है, ये कौन है, इनकी शक्ल हटाओ, वो नकाब पोश हटाओ इनका, दिखाओ इनको। तो ये है वो सर, आज नकाब हटा दिया केबल ने आज मैंने नकाब हटा दिया और इनसे बात करेंगे। ये इन्होंने बादल स्टड फार्म से मुक्सर मंडी में ये बच्चा लिया था, अदंत बच्चा, और हम इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या है इसकी डिटेल पूछेंगे। हाय इब्राहिम जी, आप बताइए कि इसकी क्या लाइन है। हेलो सर, ये उदयपुर पैलेस से राजतिलक था। हाँ, उसकी लेगेसी चल रही है सर। अच्छा, ओहो। बादल स्टड फार्म जो सुखबीर सिंह बादल साहब है, हाँ, उनके पास में राजहंस है। हाँ, वो राजतिलक का बच्चा। हाँ, फिर उसके बाद में वो इसका ग्रैंड साइड है। अच्छा, उसके बाद में उनका जो बच्चा है वो भी उनके पास राजरूप है। हाँ, वो अभी पुष्कर फेयर में सर लेके भी आए हैं। हाँ, हाँ, बादल साहब। हाँ, उनका ये बच्चा है, ये अदंत बच्चा है सर अभी, और सर ये अभी 25 मंथ कम्प्लीट करेगा। अभी इसकी हाइट सर 63 है। अंदाजन कितना है सर इसके? जो इसकी फादर की हाइट 65 है, और राजरूप आपने कवर शायद किया किया था। आपने ये लिया मुक्सर में? जी मुक्सर। क्या देखकर लिया आपने इसको सर? आप और क्यों लिया? दो चीजें सर, पहला सवाल आपने आते ही बोला कि ये अदंत बच्चा और लेकिन लग नहीं रहा है। हाँ, सर इसकी बॉडी लाइन, इसकी जो नेक है, और राजहंस जो मैंने बताया वैसी ही इसकी नेक है सर। बिल्कुल, और आप इसके फीचर सर देख सकते हैं, इसके ब्यूटीफुल से कान है, ये देखिए नेक भी अच्छी है, और सीना वीना सब वेल बिल्ड बॉडी है, और स्ट्रेट ऑन लेग्स। आप बाल बवरी पर विश्वास करते हैं कुछ? जी सर, बाल बवरी वगैरह सुनिए कुछ इस तरह की चीजें? बिल्कुल सर सुनी है, और वैसे सर देखा गया है कि बाल बवरी उन जानवरों में लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं जो ब्लड लाइन है, लेकिन ये बाल बवरी जो बताते हैं वो बिल्कुल साफ है। आगे आपने देखा इसके देवमन भी है। हाँ, देवमन है। तो वो जो सारे फीचर्स जो आपने पूछा वो सारे फीचर्स भी हमने देखे, लेकिन सर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर ये एक अल्लाह की बनाई मखलूक है, आपके घर में भी कुछ अगर कोई ऐसा होता है, कोई चीज़ पैदा होती है, हम उसको इग्नोर नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सर इंट्यूशंस हैं लोगों के, और कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मालिक का एक प्यारा सा जानवर है। लोग माक नहीं है, है बोलते हैं, लोग लूले लंगड़े हो जाते हैं वो भी कामयाबी हो जाते हैं। लोग माक की बात करते हैं ना। बिल्कुल सर, उनके तो पार्ट्स ही नहीं होते, बॉडी पार्ट्स। जी, अभी फीचर्स में आपने बोला सर गोल, ये अभी सिर्फ अदंत बच्चा है, हाइट इसकी 63 है। बॉडी लाइन आप इसकी नेक, आप इसकी ईयर्स, इसका बैक, लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता नहीं है कि ये एक कोल्ट है। कोल्ट है, अदंत बच्चा। अच्छा, दांत दिखाओ मेरे को, जरा वेरीफाई कर लें। बिल्कुल कर लें सर। हाँ हाँ, घोड़े की सर एक ही आदत है कि थोड़ा सा सारे घोड़ों में वो अपने मुंह पे हाथ लगाने नहीं देते। अभी तो ब्लड लाइन का है ये, शैतान कोल्ट है ना अभी सर, अभी कोल्ट है ना, शैतान होते हैं कोल्ट। बिल्कुल सर, चलो दिखा, थोड़ा बहुत दिखा मेरे को। हाँ, ये सर, ये सब मिलती थे सर। हाँ, ये अभी अभी इनके दांत पूरे आए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दो दांत भी नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत 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 दिक्कत। और सर क्या करेंगे आप? जी सर, क्या करेंगे इसका? सर ये मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है, और
जो पूछते हैं आप इसे ब्रीड देंगे तो जो हमारे जो खास हैं उनको बिल्कुल ब्रीड देंगे आगे, क्योंकि उदयपुर पैलेस की लाइन है, तो बिल्कुल सर इसकी ब्रीड आगे चले तो हमें भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, अच्छा लगेगा। अब प्योर मारवाड़ी तो घोड़ों की ब्रीड आगे चलनी ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अजमेर में भी इस तरह के और आप जैसे यंग लोगों के पास मारवाड़ी घोड़ा है और इतने प्यार मोहब्बत से इनको रखा जाता है। गुड। बस यहीं ले लो, सेंटर में ले लो। आप इसके बारे में बताओ इब्राहिम भाई। सर ये नौकरी है ये मुक्सर मेले से सुखबीर सिंह बादल साहब से ली हुई है। अच्छा, ये जो प्रिंस है डोट का, पंजाब का जो प्रिंस है, बहुत फेमस है, उसकी हाइट से 66 है, ये उसकी बच्ची है। Okay. इसकी मदर जो नौकरी है वो अभी भी बादल साहब के सर फार्म पे है पंजाब। अच्छा सर, इसकी हाइट 62.5 है और ये अभी 3.5 साल की हुई है। अच्छा अच्छा, ये आपने आपके उसमें कवर भी किया, आपके मुक्सर वाले पूजा नाम था इसका, इसका पूजा नाम था, हमने इसका नामकरण करके सर वर्धा कर दिया। वर्धा, वर्धा यानी कि सर वर्धा की का मीनिंग है अ ब्यूटीफुल रेड रोज। ओहो क्या बात है सर, इसको देखते ही बड़ा खूबसूरती वाला फील आता है। ये चॉइस किसने की, आपने की साथ में कोई और या किस? बड़े भैया गए थे। अच्छा, इसको क्या देख के लिया आपने? सर आप इसकी फीचर्स देखिए। फीचर्स तो मैं देख लिया, आपको क्या क्लिक किया? सर जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम का डिस्क्रिप्शन आधा तो वही डिफाइन करता है कि ये बहुत खूबसूरत है। इसका एटीट्यूड सेम प्रिंस के जैसा है। सेम प्रिंस जैसा है। यूजुअली नुकरे बताते हैं बहुत काम होते हैं, काम होते हैं। ये एग्रेसिव है। अच्छा। और वैसे एग्रेसिव आपको हर्ट करने के लिए, हर्ट करने पर एक्टिव जो होता है, जो एक हॉर्स का एटीट्यूड होता है वो दिखाती है, वो चीज है इसमें, वो चीज है। तो वो चीज इसको बहुत अलग करती है। इसे आप बच्चे लेंगे? जी सर। ओके। अभी बहुत सारे ब्लड लाइन के नुकरे आए हुए हैं तो उनसे इसको क्रॉस कराएंगे। ये भी ब्लड लाइन से है तो इसकी ब्लड लाइन अगर आगे चलेगी बहुत अच्छा है। देख लिया, अच्छे बहुत अच्छे। नौकरी आपका पहली है ये? यस सर, ये नौकरी हमारे पास पहली है। वो जो कोल्ट हमने बताया वो भी पहला है सर। नहीं जैसे बाकी तो मारवाड़ी आपके पास है? जी मारवाड़ी। ये नौकरी पहली है? ये नौकरी पहली है। सर राइडिंग भी बहुत अच्छी कराती है सर। इसको हम कैंटर एंड ट्रॉट में लेते हैं, रिवाल तो सर उसमें ठीक नहीं है, सबको अपनी अलग अलग होती है। हाँ। हम इसको कैंटर ट्रॉट में लेते हैं, बहुत अच्छी राइडिंग कराती है। पुट्ठे भी अच्छे हैं इसके।
पेंस के तो माल आया वही होगा, फेस फीचर्स सब एटीट्यूड सब प्रिंस वाला है। आपकी उम्र कितनी है जी? उम्र कितनी है मेरी? सर मैं 25 इयर्स। 25 इयर्स ओल्ड लगते तो नहीं दांत दिखाओ अपने सर मेरे भी मेरे कोल्ड के जैसे दांत चेक वैसे ही चेक होंगे, वो भी मेरा कोल्ड भी नहीं लगता कि वो अदंत है। मैं भी सर अदंत से तो सर अब मैं इनकी एक लाइन में बोला जाए तो मैं हाँ चार दांत हो गया। तो 25 इयर्स ओल्ड हैं आप, आगे क्या विचार है, इसमें जाने का विचार है क्या? एक्चुअली सर मैं लॉयर हूँ। अरे तुम्हारी तो और अजमेर सेशन कोर्ट में अभी एनरोल होने का है सर, उसमें बस एनरोल के बाद में हमारा सिर्फ शौक है हॉर्स को रखने का और सिर्फ शौक के पर्पज़ पे हमने वो लिया। सर आपके पुरखों से जुड़ी ना ये कोई? नहीं सर। तो फिर सर ये मैं हॉर्स रखते हुए सर ये हमारा थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर जी, बस तीसरा साल है। तो पहले जो है हमने अभी हम कुछ मेयर्स आपसे आगे वीडियो में कवर कराएंगे, तो हमने पुष्कर फेयर से ली थी। मैंने राइडिंग भी उसी पे सीखी है और उसके बाद में जब हम सीख गए तो उसके बाद ऐसा चाहा कि कुछ ब्लड लाइन की ब्रीड में जाना हमने पसंद किया और इसीलिए हम सुखबीर सिंह बादल साहब के पास से हम दो जानवर लिए, एक तो यूनुकड़ी है और एक कोट। तो दिमाग में राइडिंग का भी कैसा आ गया? सर राइडिंग मुझे बचपन से पसंद है सर। बचपन में कभी की राइडिंग? सर बचपन में कहीं घूमने जाते थे तो राइडिंग। तो कहाँ कर लेते थे राइडिंग? सर जैसे कभी वेकेशंस पे जाते थे, कंपटीशन वेकेशंस पे जाते वेकेशंस पे हाँ। तो वहाँ से ही हॉर्स बचपन से ही सर बहुत पसंद है, लेकिन जब तक हमने इसके अंदर पूरी तरह नहीं हुए थे एक बार, फिर उसके बाद में हमें लगा कि एक हॉर्स जो है सर इसका फील ही अलग है। लोग कहते हैं कि ये शौक ऐसा है कि ये इस शौक के बाद में मतलब इंसान बहुत अच्छा फाइन शौक है, बहुत आपने बहुत सारे जानवर कवर करे होंगे, मतलब हर उसमें ऐसा होता है कि कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई नया आपको देखने को कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। और सर आजकल क्या है कि सर ऐसा हो गया है कि कुछ सेइंग्स ऐसी भी हैं कि कुछ लोगों के पास में पहले लोग घोड़े पे जाते थे और बड़े लोग कार में जाते थे। तो सर वो जो लोग जो पहले हॉर्स पे जाया करते थे वो लोग सर उनका और जो नॉर्मल एक इंसान है सर उनकी हेल्थ में और उसमें बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं फ़र्क रहता है। मतलब बहुत से लोग जो अभी भी राइड कर रहे हैं इनकी एज भी बहुत हो गई उसके बाद भी वो हेल्दी हैं, क्योंकि हॉर्स पे आप जब राइडिंग करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जब इस पे राइड कर रहे हैं तो सिर्फ हॉर्स को आप देखते हैं कि वो पूरा स्वेट में हो जाता है। एक्चुअली जो बंदा राइड कर रहा है सेम वैसा ही उसके साथ में ऐसा होता है कि वो भी पूरा स्वेटी हो जाता है, उसके फैट्स डिसॉल्व हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसमें पूरी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो सबसे जो उसी ताल में जब ही चलता है घोड़े के तो वो वाइब्रेशन से सारा सेट हो जाता है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया जो ये रिवाल में एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। जो आप ट्रॉट एंड कैंटर चलाते हैं उसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज होती है, जब बम्पिंग ट्रॉट आप उसमें करते हैं तो इंसान का शरीर पूरी तरह से वाइब्रेट होता है, उसकी वजह से आपका जो स्वेट होता है स्वेट निकलता है। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज ही बताई है कि आप रनिंग करें और स्वेटिंग करें, इसकी वजह से आप जो बॉडी के टॉक्सिक हैं आपके वो स्वेट में निकलते हैं, तो उससे सारी गंदगी आपकी जो बॉडी की है वो निकलती है। और इसीलिए राइडिंग करने से दोनों चीज़ें सारे को शौक भी पूरा होता है और एक आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।